अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसे यही पॉज करके इसके पिछले पार्ट को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में देखा कि मार्टिनी किसी तरह अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करके उसी एटोनी को हायर करता है वोगल के आरोप को झूठा साबित करने के लिए। इसीलिए केस की गंभीरता को समझाने के लिए वो उससे वोगल का प्रीवियस केस म्यूटिलेटर केस के बारे में शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि उस केस में कोई क्रिमिनल कैन में बॉम्ब रखकर शॉप्स में रख जाता था विस्फोट होने के लिए, जिसके पीछे कितने ही लोग जख्मी हुए। पर क्रिमिनल के परसूट में वोगल की नजर एक हार्मलेस बुककीपर मिस्टर रोमियो पर पड़ी, और जैसा कि वोगल अपने काम के लिए फेमस है, उन्होंने मीडिया को यूज करके ज्यूरीज को कन्विंस करके उसे जेल के पीछे डाल दिया। हालांकि अंत में वो रिहा हो गया और उसे 4 साल जेल की सजा काटने के लिए $1 मिलियन का कॉम्पेंसेट किया गया, पर उस 4 साल के टॉर्चर में अपनी संपत्ति, नौकरी और उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया, और अंत में स्ट्रोक के कारण उसकी जान चली गई। जाहिर तौर पर यह सुनते ही डर के मारे मार्टिनी और उसके वाइफ के पैरों से जमीन खिसक जाती है, और वही शक का रडार उसके ऊपर होने के कारण उसने अब तक जो भी किया या आगे करने वाला है वो उसके खिलाफ यूज किया जाएगा। इसलिए एक्टिंग सिखाने के इन्विटेशन को वो स्टूडेंट इस तरह बताती और मीडिया दिखाती है जैसे वो उसका गैर फायदा उठाना चाहता था। ये जानने पर तो उसकी वाइफ भी गलत मतलब निकाल कर अपने बेटी के साथ उसे छोड़कर जाने का तय करती है। दूसरी ओर उनका सारा कॉन्वर्सेशन वोगल सुन रहा होता है, और अब ऑडियंस को ऑफिसर्स का उसका DNA सैंपल घर पर ही कलेक्ट करने का चतुर कारण का पता चलता है, क्योंकि वो इस बहाने से उसके घर को ही बक कर दिए थे। और उसकी सिचुएशन को जानने के बाद कहीं ना कहीं वोगल को खुद के इंस्टिंक्ट पर शक होने लगता है। इतना कम नहीं कि मार्टिनी के लाइफ का मजाक बनाने के लिए रिपोर्टर स्टेला अपने मतलब के लिए उससे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए डील करती है, क्योंकि उसके अनुसार वैसे भी उसकी जिंदगी सुधरने नहीं वाली। कम से कम वो इनफ पैसे अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ सकता है जब वो जेल में सजा काट रहा होगा, पर बेकसूर मार्टिनी इतने आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए उसके ऑफर को ठुकरा देता है। अगले दिन अपना समय काटते दौरान उसे किसी अनजान का कॉल आता है, जिसके ठीक बाद वो शायद गुस्से में अपना चोट और जख्मी करने लगता है। बाद में हमें समझ आता है कि वो कॉल वोगल का था उससे मिलने के लिए, जो उसे एक मौका देता है उसे गलत साबित करने के लिए कि आखिर उसके जीप में वो कैट का हेयर कहां से आया। वो बताता है कि उसके पास भी रोमियो नाम का एक कैट था जो उस समय कहीं गुम हो गया। वहीं वो उसके खैरात का भूखा नहीं है। वो उसे चैलेंज कर जाता है कि वो खुद से खुद को बेकसूर साबित करेगा, और गुस्से में वहां से चला जाता है। और तभी वोगल की नजर कहीं अटक जाती है, और अगले दिन उन्हें एक बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि उन्हें गांव के किसी तालाब से ऐना की बैग मिलती है। और अगले दिन जब मार्टिनी क्लीन शेव करके अपने क्लास को लेक्चर दे रहा होता है, वोगल क्लास के सामने ही उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि जब वोगल की नजर कहीं अटकी थी वो दरअसल मार्टिनी के छूटे ब्लड के तरफ था, और जांच के अनुसार उन्हें ऐना के बैग पर उसका DNA सैंपल बरामद हुआ। और सीन फिर से कट होकर करंट समय की तरफ मुड़ जाती है, जो वोगल के सवाल करने पर फ्लोरेंस बताता है कि वो दिल का मरीज और रिटायर होने के कारण यहां बस गया। फिर तभी वोगल एक शॉकिंग बात कन्फेस करता है कि उसी ने मार्टिनी को झूठे सबूत के साथ फ्रेम किया, क्योंकि उसके हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था, वहीं वो श्योर था कि वही किडनैपर है। वो बताता है कि उसके हाथ मार्टिनी का ब्लड सैंपल और अगले ही दिन ऐना का बैग हाथ लगने पर उसी ने उसके ब्लड सैंपल को ऐना के बैग पर प्लांट कर दिया उसे सबूत के साथ गिरफ्तार करने के लिए। और वोगल केस खत्म करने के बाद लौट ही रहे होते हैं कि उन्हें फिर से उसी अननोन नंबर से मार्टिनी के बेगुनाह होने का मैसेज मिलता है, और इस बार बिना इग्नोर किए वो उसे कॉल बैक करते हैं। और जब वो उस अननोन इंसान से मिलने के लिए पहुंचते हैं तब वो बुजुर्ग द फॉगमैन की मिस्ट्री का खुलासा करती है कि 30 साल पहले 6 और लड़कियां इर्द-गिर्द के लोकेशन से भी गायब हुई थी, जिनका लाश ना मिलने पर ऑफिशियल्स ने इसे घर से भागने का केस समझकर इग्नोर कर दिया और उसे पागल समझने लगे। ये घटना ऐना से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि वो सभी ऐना की तरह रेड है, चेहरे पर फ्रेकल्स, और उनकी उम्र 14 से 16 साल की थी। उसे शोर है कि ऐना के पीछे भी द फॉगमैन है और मार्टिनी बेगुनाह है। पर सबसे अजीब बात कि किसी ने वोगल के नाम पर उसके घर पर उसी दिन एक पैकेज छोड़ गया जिस दिन ऐना गायब हुई थी। पैकेज खोलने पर फाइनली ऐना का ओरिजिनल डायरी मिलता है जिस पर ऐना ने किसी ओलिव का नाम जिक्र किया होता है जिससे वो आखिरी बार समर वेकेशन के दौरान मिली थी। वो उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने उसके नाम का इनिशियल्स अपने हाथों पर ही गोद दिया। सबसे अजीब बात की डायरी में उसके लिए एक पोस्टकार्ड भी छोड़ा होता है। वो जैसे ही उस पोस्टकार्ड के अनुसार लोकेशन पर पहुंचकर नजदीक रखे खुर्चा से खोदता है उसे एक VCR टेप मिलता है जिसे प्ले करने पर शायद वही किडनैपर खुद को रिकॉर्ड करते हुए उसे बगल में ऐना नजर आती है। किडनैपर उसे एक और पोस्टकार्ड दिखाकर किसी और लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है, और बेवकूफ वोगल बिना सोचे समझे कि आखिर क्यों वो उसे इतना टीज कर रहा है वो उसी अबैंडन्ड होटल जा पहुंचता है जो टूरिस्ट ना होने के कारण बंद पड़ गया। पर होटल
वीसीआर के सेम रूम एंटर करने पर अब वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता, इसलिए गुस्से में वीसीआर डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर उन्हें क्या खबर कि उनका रचा खेल अब उन पर ही भारी पड़ने वाला है। क्यू के बाथरूम में हमेशा से मौजूद रिपोर्टर स्टेला उसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता समझकर रंगे हाथों पकड़ लेती है और मूवी फिर से करंट समय में फ्लोरेस की तरफ मुड़ जाती है। इस बार के सीन में फ्लोरेस अपनी ही बातें करते रहते हैं कि कैसे उसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश पकड़ना पसंद है, इसीलिए उनके वॉल्स पर उसी फिश की इतने सुविनर लगे हैं। एक बार तो शिकार करते करते उनके हाथों पर सीवियर दर्द होने लगा और वो उसी तरह से तड़पने लगे जिस तरह उनकी पकड़ी हुई फिश। पर वॉगल अपने कन्फेशन में शेयर करता है कि उस बुढ़िया ने जरूर अपने आप पर लगे पागल होने के क्लेम को हटाने के लिए उसे इन सब में फंसाया। और अंत में सबसे बड़ा कन्फेशन करता है कि आखिर उसकी शर्ट पर लगा वो खून किसका है। और मूवी तुरंत मार्टिनी की तरफ मुड़ जाती है जिसे बाइज़त बरी कर दिया जाता है क्योंकि मीडिया और ऑफिशियल्स को पता चल जाता है कि वॉगल ने अपने ईगो के खातिर झूठे सबूत के साथ मार्टिनी को फंसाने की कोशिश की। लकीली उसके बेगुनाह होने का पता चलने पर उसकी फैमिली लौट आती है, पर जिस तरह का ट्रॉमेटाइज टॉर्चर उसे मीडिया और वॉगल के कारण सहना पड़ा उसका अटोर्नी उसे सभी रिस्पॉन्सिबल पर कॉम्पनसेशन के लिए सू करने का सलाह देता है। इतना कम नहीं कि उसकी पत्नी बताती कि जाने माने टीवी न्यूज और पब्लिशर्स उसके कहने के लिए मुंह बोला रकम देने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो उसके लिए एक समय श्राप बना हुआ था अब वो उसके लिए वरदान में बदल गया क्योंकि अब जिंदगी भर उसके फैमिली को पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सब के कारण अब वो रातों रात अमीर बन गए। वहीं ऑफिसर्स वॉगल को केस से बर्खास्त करके अपना इन्वेस्टिगेशन अब द फॉगमैन की तरफ मोड़ देते हैं। पर वॉगल भी एक और म्यूटिलेटर केस जैसा हार बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि अब उसमें रियल किडनैपर को पकड़ने का जुनून छा जाता है। उन्हें यकीन होता है कि एना का किडनैपर उसका बॉयफ्रेंड ओलिव ही है, इसलिए वो तुरंत स्टेला से एक आखिरी सौदा करते लाइव टीवी इंटरव्यू के लिए जहां वो ओलिव के बारे में खुलासा करेंगे उस डायरी के बेसिस पर। उसे यकीन होता है कि किडनैपर डर के मारे शो में जरूर नजर आएगा और एक तरह से वॉगल का मास्टर प्लान काम कर जाता है क्योंकि अब तक सभी जिसकी तलाश कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मार्टिनी ही था जो उसके हाथों पर बने उसके इनिशियल से वॉगल को समझ जाता है जो एना ने भी खुद किया और अपने डायरी में मेंशन किया था। और यहाँ मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है जो मैं शुरुआत से एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल कई समय से मार्टिनी और उसका फैमिली आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और तभी उसकी नजर रोमियो के टीवी इंटरव्यू पर पड़ी। ये तब हुआ जब वो टाउन में था क्योंकि आप उसके तब के घर के स्टाइल से अंदाजा लगा सकते हैं कंपेयर टू अभी के घर से। म्यूटिलेटर केस के बारे में स्टडी करने पर कि कैसे रोमियो को गलती से कैद किया गया और अंत में रिहा करने पर हैविली $1 million से कॉम्पनसेट भी किया गया और कैसे इसके पीछे वॉगल का ईगो खास रोल निभाया, वहीं मिस्टीरियस द फॉगमैन के बारे में पता चलने पर उसने वॉगल की ईगो और मीडिया को एज ढाल बनाकर रोमियो का सेम सिनारो अपने पर एग्जीक्यूट करने के लिए इस गांव में तुरंत मूव हुआ और उसने अपने प्लान के बारे में इनडायरेक्टली वॉगल से कई बार शेयर भी किया था जब उसने उस समय उससे मिलने पर अपने कैट का नाम रोमियो बताया था और दूसरा तब जब लेक्चर के दौरान वॉगल उसे अरेस्ट करने आया था। मार्टिनी को एना के हर रूटीन और फेवरेट पेट के बारे में पता था सिंस वो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। वही है जो सीक्रेटली एना को ओलिव के नाम से डेट कर रहा था अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसे समर वेकेशन के दौरान मिला, पर उस समय वो उससे जानबूझकर बिना बियर्ड के मिला था ताकि वो उसे पहचान न सके कि वो उसके कॉलेज के प्रोफेसर है। बियर्ड डेवलप करने के बाद कैट के बहाने से उन्होंने उसे अगवा किया वरना अगवा करने के दौरान वो उसे एज ओलिव पहचान जाती। वही है वो जिसे एना देख बीच में रुक गई थी। जिस दिन मार्टिनी ट्रेकिंग के लिए निकला था उसी दिन उसने एना को अगवा किया जिसके तुरंत बाद उसने वो क्लिप रिकॉर्ड किया वीसीआर टेप पर, अगला नजदीक के नदी में उसका बैग फेंक दिया और वॉगल को लूर करने के लिए डायरी को पोस्टकार्ड के साथ बुजुर्ग को पोस्ट करने का कारण ये था ताकि वॉगल सच में द फॉगमैन के तलाश में उसके ट्रैप में फंसे। उसे मैटिया का भी पता था कि वो एना को पसंद के कारण उसे हमेशा फिल्म करता है, इसलिए वॉगल के लिए एक क्लू तैयार करने के लिए वो जानबूझकर हर बार मैटिया के रिकॉर्डिंग के सामने आने लगा। इसीलिए उसने इतने समय बाद भी अपना जीप कभी वॉश नहीं किया ताकि आगे मीडिया और वॉगल को इसे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इसीलिए उसने उस समय जब पब्लिक उसके पीछे पड़ गई थी उसने अपना जीप अंदर पार्क नहीं किया ताकि लोगों की नजर उसके जीप पर पड़ जाए। उसका स्ट्रेटेजी सेम था मीडिया और खास करके वॉगल के नजरों के सामने आने के लिए हल्के फुल्के क्लूज छोड़ने का, जैसे उसी दिन गायब होना, कोई सीधा जवाब नहीं देना कि उसे घाव कहां लगा, वो जीप के क्लिप्स, यहां तक कि उस स्टूडेंट को मैसेज भेजना भी प्लान था शक के नजर में आने के लिए। वो जानता था कि बेचैन वॉगल कोई ठोस सबूत ना मिलने पर उसे झूठे एविडेंस पर फ्रेम करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वॉगल के मिलने के कॉल के आने के ठीक बाद उसने जानबूझकर अपने घाव को ताजा किया।
ताकि वो उससे मिलने पर अपना खून वहाँ छोड़ सके, जिसमें वोगल सच में फंस गया। पर ऑल्दो उसने एना के बॉडी को डिस्पोज करके एंश्योर किया कि किसी को उसके बारे में पता ना चले, पर जैसा कि हर क्रिमिनल कोई ना कोई सबूत गलती से जरूर छोड़ता है, उसने भी एना की डायरी ना पढ़कर और एना के हाथों में सेम मार को इग्नोर करके अपना मरणकरण लिख लिया, क्योंकि वोगल ये बर्दाश्त ना कर सका और उसकी जान ले ली। वो उसकी जान लेकर भाग ही रहा था अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाता। और अब सब कन्फेस करने के बाद जाहिर तौर पर फ्लोरिस उसे अरेस्ट कर लेता है और फ्लोरिस भी अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ता है। और जब वो इंश्योर करता है कि उसकी फैमिली सो रही है, वो गैराज के किसी कोने से कोई हिडन बॉक्स निकालता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है, मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है। दरअसल फ्लोरिस ही वो द फॉगमैन है जिसने उन सभी 6 लड़कियों को शिकार करके उनके हेयर को एस चारे के फॉर्म में सोविनियर की तरह रख लिया। उसका उन्हीं फिश को सजावट में रखना मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि उनका रंग का पैटर्न उनके हेयर से मैच करता है। और अब ऑडियंस को और कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ वही कहानी विदाउट मॉडिफिकेशंस के दिखाई जाती है कि रियलिटी में वो फिश नहीं थी जो उसके सामने तड़प रही थी, बल्कि उनका शिकार थी। वो शायद इसलिए हत्यारा बनना छोड़ दिया क्योंकि उसे हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, जैसा उसने शुरुआत में बताया था। और ये मूवी उसका बिना कभी पकड़े जाए ही खत्म हो जाती है। मूवी काफी अच्छी थी। आखिर कोई कितना ब्रिलियंट हो सकता है खुद ही क्राइम कमिट करके खुद से ही हल्का फुल्का क्लू छोड़ना, पर अंत तक कभी पकड़ा ही नहीं जाना, क्या मास्टर प्लान था। इसलिए कहानी के यूनिकनेस और स्टाइल के लिए डेफिनेटली इसे फुल मार्क्स मिलनी चाहिए। इस मूवी के डायरेक्टर सेम है जिन्होंने इनटू द लेबनीज़ डायरेक्ट की, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको इसका सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन का स्टाइल बहुत पसंद आएगा। स्पेशली फुल मार्क्स टू डायरेक्टर सर जिन्होंने क्लाइमेक्स को इतने बेहतरीन तरीके से सस्पेंस में बनाए रखा, और मैं आपको इसे हाईली रेकमेंड करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों, प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।